हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्रॉसवेट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर स्टार्ट आवर चैप्टर सेवन सॉरी चैप्टर एट. दिस इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, दिस इज़ योर सेवन चैप्टर. इन चैप्टर 1 to 4 वी हैव रीड अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स विच डील्स द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स लाइक हाउस होल्ड फर्म्स एंड हाउ दे आर अटेंड इक्विलिब्रियम. रिकॉल अ फर्म अटेंड्स इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ इट आउटपुट विच गिव्स इट मैक्सिमम प्रॉफिट. Now we shall study the same equilibrium but at the level of economy as a whole. The title of the chapter is Determination of Income and Employment. In fact, refers to determination of equilibrium, level of income and employment of resources. Every country in the world. अच्छा, हम लोग अभी तक 1 से लेकर 4 चैप्टर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ाया है कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल इकोनॉमी की जो इंडिविजुअल पार्ट्स होती है उसको हम कैसे डील करते हैं. लाइक हमारा जो हाउस होल्ड है, फॉर्म्स है, कोई हमारी कंपनी है, कोई हमारा मार्केट है, हम किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं. वहाँ पे हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं, कैसे हमारा आउटपुट का हमारा लेवल होता है किस तरीके की, और हम हमारा जो एक टारगेट होता है वो क्या होता है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना रहता है. नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, लेकिन अभी तक हम क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट की बात कर रहे थे, अब हम वोल की बात करेंगे, यानी कि पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे, या फिर एक कई इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कई फर्म के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअलिटी की बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं करेंगे. यहाँ पे हमारे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी हमारा प्रॉफिट लेवल होगा, जो भी हमारे इनपुट्स होंगे, जो भी हमारे आउटपुट्स होंगे, वो हमारे वोल को लेकर होंगे, ना कि इंडिविजुअल लेवल पर होगा. ठीक है. एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड ट्राइज टू अचीव द पॉसिबल मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ नेशनल इनकम बाय एम्प्लॉइंग फुली ऑल इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज. द प्रेजेंट चैप्टर ब्रॉडली डील्स विथ हाउ टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एंड हाउ टू इक्विलिब्रियम कैन बी मेड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर इफ इट इज एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो जब हम पूरे कंट्री की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी जॉब या फिर कोई भी काम हम लोग क्यों करते हैं, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम. और अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे कंट्री में क्या चाहिए होता है, नेशनल इनकम को हमें इंक्रीज करना होता है, जिसकी वजह से हम लोग एम्प्लॉयमेंट जिसके हम लोग इसके लिए हम लोग काम करते हैं, जिसके लिए देश पूरा काम करता है. यहाँ पे हम लोग जितने भी रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, वो भी हमें नेशनल यानी कि पूरे कंट्री को ध्यान में रखकर किया जाता है. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, किस तरीके से हम उससे अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, और हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहाँ पर जाकर वो पॉइंट करता है, इक्विलिब्रियम हमें किस पॉइंट पर मिलता है, इसको लेकर हमारे कई तरीके के इकोनॉमिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने अप्रोचेस दिए हैं. तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके से अपने इनकम और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट ओवर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर देखेंगे. तो 2 अप्रोचेज हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये हैं 1 बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड अदर्स द कीन्सियन. क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक है और एक हमारा कीन्सियन थॉट है. जो हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक है, इसको हम परंपरावादी भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रतिष्ठित भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना दिया हुआ है. जितने भी मेरे इकोनॉमिस्ट रह गए हैं, जब हमारा इकोनॉमिक्स आया था उसके साथ साथ इन इकोनॉमिस्ट का भी जन्म हुआ था. इन द सेंस कि इन लोग इकोनॉमिक्स में आए थे और इन्होंने अपने अपने अप्रोचेज दिए थे जिसकी इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करती है, और हमें इन इकोनॉमी में कहाँ पे इनकम मिलती है, किस जगह पे हमारी डिमांड होती है, कहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है. अब क्योंकि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द इकोनॉमी नॉर्मली फंक्शन एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. द थियोरी इज बेस्ड ऑन सेल्स लॉ मार्केट
तो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनमें सबसे बड़ा नाम एक है जो आया था से लॉ सॉरी जे बी से का नाम आया था, से है तो इनका पूरा नाम है जे बी से। इनका पूरा कहना था, इनका साफ साफ ये कहना था कि जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमी होती है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उसके फंक्शंस पर डिपेंड करती है। और इनकी जो इन्होंने अपनी जो थियोरी दी थी उसको भी अपने ही नाम पर रखी थी, जिसको हम लोग सेज मार्केट लॉ कहते हैं या फिर इसको हम से का बाज़ार भी कहते हैं। ये अक्सर ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम की नज़र से ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं इनका जो सेज लॉ था वो था क्या, किस बारे में हम लोग इसमें बातें कर रहे थे। द थियोरी इज बेस्ड ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट विच स्टेट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इनका ये कहना था कि जो हमारी सप्लाई होती है वो खुद का ही डिमांड, यानी कि जो हमारी सप्लाई होती है वही अपने डिमांड का निर्धारण करती है। इसको आप एक वर्ड में कह सकते, पूर्ति अपनी मांग का निर्धारण करती है। कोई भी पूर्ति, यानी कि जब किसी भी चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तभी प्रोडक्शन होता है जब उसकी डिमांड होती है, फिर अगर हमें पता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है तभी हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो उसी तरीके से पूरा हमारे यूज़ में आ रहा है और वो ख़त्म हो जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि विंटर में विंटर क्लोथ्स की ज़रूरत होती है तो हमें पता है कि वो पूरी तरीके से बिक जाएगा और हम विंटर क्लोथ्स की क्योंकि डिमांड रहती है, अभी तक हुई नहीं है लेकिन हम ये चीज़ अपना अनुमान लगा कर चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि विंटर है तो हमें डिमांड रहेगी क्लोथ की, तो हम लोग उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हमने प्रोडक्शन किया और उसका डिमांड हमने कई तरीके से उसकी कई वैरायटी लाई और उसका डिमांड जो है होने लगा, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पूर्ति अपने डिमांड खुद बना रही है कि हमने इस तरीके से ये बहुत सारी इसकी वैरायटी बनाई है या फिर उसकी कुछ क्वालिटी में क्वांटिटी में कुछ भी हमने फ़र्क हेर फेर किया है जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ी है। तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि कहाँ से हमें से का बाज़ार का नियम जो हम लोग पढ़ते हैं उसका एक एग्जाम्पल हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अक्सर ये आता है स्टेट प्रूव दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये अक्सर आपका आता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा आपका। तो इट इम्प्लाइज दैट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट्स एट मैचिंग डिमांड फॉर इट्स विद द रिजल्ट एट द होल सप्लाई इज सोल्ड आउट, सो देयर इज नाइदर ओवर प्रोडक्शन और नॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट इन केस इन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट थ्रू फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट रेट वेजेस एंड प्राइजेस, सो द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर सिंस इक्विलिब्रियम इन स्टैब्लिश ऑटोमेटिकली बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड्स एंड सप्लाई। अब जो हमारे जेबी से थे उनका कहना था कि मार्केट में हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। रीज़न ये है कि अगर हमारी सप्लाई उतनी ही रहेगी जितनी सप्लाई हम उतनी ही कर रहे हैं जिसकी हमें एक आइडिया लगा कर चलते कि हमें डिमांड भी उतना ही मिलेगा, डिमांड भी उस किसी एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड गुड की डिमांड उतनी ही आएगी, इससे तो ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा जिसकी वजह से हमारे जो मटेरियल्स हमने बनाए हैं इनपुट आउटपुट्स हमारे वेस्ट जाएंगे, इस ओवर प्रोडक्शन भी हमारा नहीं हो पाएगा जिसका रिजल्ट ये आएगा कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी, सब लोगों को पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो जेबी से ये कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी होती है जो हमारा वर्ल्ड होता है इकोनॉमिक वर्ल्ड में जो लोग भी आते हैं वहाँ भी पूर्ण रोज़गार यानी कि परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट सबको मिल रही है और इस चीज़ पर उन्होंने अपनी चीज़ों को अपनी बातों को रखा है और इसके संदर्भ में इससे रिलेटेड उन्हें कई चीज़ें बताई हैं जो कि हमारे लिए जो उनके नज़रिए से उनके अकॉर्डिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। ये इनका अप्रोचेस उनके अप्रोच थे, उनका ये कहना था कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है वहीं पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट इनका ये है, ये भी पूछा जाता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा लिख देगा डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई स्टेट प्रूफ दैट दिस इज द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ये आपको अक्सर हम लोग इक्विलिब्रियम कहाँ पर देखते हैं,
इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं. इक्विलिब्रियम हम लोग वहाँ पे भी देखें, हमने एक पूरा ग्राफ बनाया था उससे रिलेटेड. तो ये चीज़ें भी हैं आपकी. सेल्स लॉ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. हमें सेम उसी के इंडिफरेंस जैसा ही कर्व बनेगा, क्योंकि अब हमारे पास ना तो आपकी डिटेल में इतना दिया गया है इसमें और ना हमारे पास इतना टाइम है. तो जैसा हमने इंडिफरेंस कर्व में एक ग्राफ को प्लॉट किया था और कॉम्बिनेशंस को रख के और एक ग्राफ एक हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव ग्राफ को प्लॉट किया था, उसी तरीके से हमारा सेज लॉ में भी एक ग्राफ बनेगा. और वहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि किस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है क्या, डिमांड और सप्लाई, इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है वहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारे जेबी से थे जिन्होंने अपनी एक थियोरी रखी. फिर इसके बाद आए कीन्सियन. सॉरी, तो आज के टर्न में हम इतनी ही चीज़ें रखेंगे. कल हम फिर एक फ्रेश टॉपिक लेकर आएंगे जो है हमारा कीन्सियन थ्योरी. कीन्सियन थ्योरी क्या है, जो थोड़े से मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आए थे और इन्होंने अपनी इस जो जेबी से थे इनकी जो अप्रोचेस थे उनको थोड़ा सा हटकर उनका कैसे ना उनको क्रिटिसाइज़ किया और अपनी एक अलग अप्रोच रखा, जिसके हेल्प से हम लोग इकोनॉमिक्स एक नए इकोनॉमिक्स को देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने बात डिमांड और सप्लाई की ही बात की थी, लेकिन इन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की थी. तो अभी क्योंकि हमारे पास आज के टर्न पे हम इतना ही रखते हैं, तो कल हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे. ओके, टिल देन प्लीज़ रिवाइज ऑल द टॉपिक्स विच आई कंसीडर्ड इन टुडेज क्लास. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज़ आस्क टू मी, आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.